हेलो गाइस, एवरीथिंग स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटर और पनीर की स्वादिष्ट सब्जी, जिसके लिए हमने ये पनीर लिया है 250 ग्राम, जिसके हमने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। आप पीस को अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े। मैंने इतने बड़े लिए हैं। मटर जिसको मैंने भिगो रखा है, 2 बड़े प्याज जिनको अच्छे से पीस लिया है, 2 बड़े टमाटर की प्यूरी बना ली है, लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ये देखिए, हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। आप यहाँ रिफाइंड यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जियों का स्वाद तेल से ही आता है। ये सब्जी भी तेल से ही अच्छी लगती है, आप चाहे तो रिफाइंड यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें ये कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। उसके बाद ये प्याज डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए, हमारी प्याज अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटो प्यूरी। ये देखिए, हमने टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर की प्यूरी। आप यहाँ पर टमाटर और प्याज को बारीक चॉप करके भी यूज कर सकते हैं। मैं पेस्ट यूज कर रही हूँ। टमाटर के साथ ही हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे हमारे टमाटर का जो पानी है वो जल्दी ही बाहर आए और ये जल्दी ही जल जाए। ये देखिए, हमारे टमाटर के साइड से भी तेल आना शुरू हो गया है। हमारे टमाटर भी अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसी के साथ हम ये तीनों मसाले भी डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार। पानी। इसको अच्छे से मिक्स करके चलाएंगे। हम अपने मसालों को भी अच्छे से कुछ देर भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। जिससे हमारी ग्रेवी है धीरे धीरे से तैयार हो। सच में इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है ग्रेवी को, लेकिन मज़ा भी ग्रेवी से ही आता है। टेस्ट सब्जी में ग्रेवी से आता है। तो आप इसको मीडियम आंच पर देर तक भूनने दें। ये देखिए, हमारा तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन इसको हम कुछ देर और पकाएंगे अभी। आप देख सकते हैं, हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये मटर। इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमने मटर को भी इसमें अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ये पनीर डालेंगे। धनिया पत्ती। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप ग्रेवी पतली रखना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड करें, वरना पनीर का भी अपना काफ़ी मॉइस्चर होता है, उससे ही अच्छे से बन जाएगी। मैं यहाँ पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसको हम 5 से 10 मिनट हल्की आंच पर बनाएंगे। तो देखा गाइज आपने, ये आलू पनीर, सॉरी
मटर और पनीर की सब्जी बनाना कितना इजी है और बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।